हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको एलजेब्रा का क्वेश्चन बताऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज -13 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 40, तो फाइंड द नंबर। तो हमें क्या करना है, देखिए, सम ऑफ टू नंबर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि गिवन द टू नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या दिया गया है, ए एंड बी दिया गया है। गिवन द टू पॉजिटिव नंबर ए और बी दिया गया है, हम कंसीडर करेंगे। तो इसको अभी हम सम ऑफ लिखेंगे, सम ऑफ इसका जो सॉल्यूशन होगा, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर, और इसको मान लेंगे कि सम ऑफ टू नंबर ए प्लस बी है, और ए प्लस बी जो होता है वो हमारा मान दिया है -13। और दूसरा दिया है हमें क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अब इसको हमने लेंगे ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 40। अब हम लोग फार्मूले से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स और प्लस ए बी होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में यदि यह फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों जी नहीं मालूम होगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या किया कि मैंने फार्मूले पे इसको राइट किया, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है, ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है -13 दी गई है, और यहाँ पे यक्स दी गई है, और ए बी की वैल्यू क्या दी गई है, ए बी की वैल्यू 40 दी गई है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यक्स स्क्वायर -13 यक्स और प्लस 40 हो गया। अब हमको क्या करना है कि दो नंबर हमें तो मालूम ही है, लेकिन हमको इसी रूप में इसको हमको राइट करना है। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, अब फैक्टर हमको ऐसे करना है कि 40 के ऐसे हमें दो नंबर लेने हैं जिसको सम करने पर क्या है, सम करने पर हमारा 13 आए और प्रोडक्ट करने पर 40 आए। तो हम दो नंबर ऐसा लेंगे 8 × 5, या इसी को लिख सकते हैं 40 = -8 × -5, क्योंकि हमको सम नंबर भी लाना है, -13 आना है। तो अब हम इसको फैक्टर करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यक्स स्क्वायर -8x - 5x और प्लस 40 हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो यक्स कॉमन लेंगे, यक्स -8, और इसमें -5 कॉमन ले लेंगे, यक्स -8 हो जाएगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि दोनों कॉमन हो जा रहा, तो ये हम लिख सकते हैं यक्स -8 कॉमन होगा, ये दोनों में यक्स -8 कॉमन होगा, तो यक्स -5 होगा। अब हमसे पूछा जाए कि a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसको हमको रखना है x प्लस a और x प्लस b, तो a के प्लेस पे होगा -5 और b के प्लेस पे होगा, a के प्लेस पे -8 होगा और b के प्लेस पे -5 होगा। तो ये हमारा नंबर आया, नंबर हमारा क्या फाइंड हुआ, फाइंड द नंबर, दोनों जो नंबर होगा ए बराबर -8 होगा और बी बराबर -5 होगा। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ
नंबर दिया गया है कि माइनस 13 है, तो a प्लस बी बराबर माइनस 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए बी इक्वल टू 40। यक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ टू नंबर ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे माइनस 13 होगा और प्लस ए बी इक्वल टू 40। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यक्स स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर। अब 40 के हमको ऐसे फैक्टर करना है कि जो कि प्रोडक्ट करने पर 40 आए और सम करने पर माइनस 13 आए, तो माइनस 8 इंटू माइनस 5 और इस तरह से यक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5 प्लस 40। यक्स कॉमन ले लिए, यक्स माइनस 8 माइनस 5 यक्स माइनस 8। अब इस तरह से यक्स माइनस 8 और यक्स माइनस 5, यक्स माइनस 8 कॉमन ले लिया गया तो यक्स माइनस 8 यक्स माइनस 5 हो गया। अब हमको कंपेरिजन करना है, जो हमारा फार्मूला जो दिया गया था इससे हमको कंपेरिजन करना है। ये होता है यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी होता है इसका फार्मूला। तो इस तरह से यक्स ए के प्लेस पे हमारा आ जाएगा माइनस 8 और बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को वह सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। और मैं सभी लोगों को, आज विश्वकर्मा पूजा है और इसको मैं सभी जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं विश्वकर्मा भगवान से यह निवेदन करता हूं कि आप लोगों की सभी जितने भी मेरे श्रोतागण सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आप लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं आए और अपने हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। यही आपको जीवन में, यही आपको लक्ष्य रखना है कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगल में भविष्य की कामना करता हूं।